भक्तों, मैं आपको राधाष्टमी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और निवेदन करता हूँ आप अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको प्रतिदिन अच्छे विचार, अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि राधाष्टमी का त्योहार पर्व कैसे मनाएं। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आपने बड़े धूमधाम से उत्साहपूर्ण मनाया, वैसे ही माँ राधा रानी का जन्मोत्सव मनाएं, क्योंकि कृष्ण की बहुत प्रिय हैं राधा रानी। राधा रानी का जन्म बरसाना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम वृषभान था, जाति से गुर्जर थे, और इनकी माता का नाम कीर्ति था। माँ राधा रानी ने जन्म लेने के बाद 11.5 महीने तक आंखें नहीं खोली। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जन्मोत्सव हुआ, प्राकट्य रूप हुआ, तो उसके 6 दिन बाद माँ राधा रानी की आंखें खोली, ऐसा संत जन बताते आ रहे हैं। माँ राधा रानी की कैसे पूजा करें? जैसे आपने लड्डू गोपाल की पूजा जन्माष्टमी के दिन की थी, ऐसे ही हम लड्डू गोपाल को अच्छे से नहाएं, नहलाएं, जल लें, उसमें गंगा जल डालें और बड़े आराम से उनको स्नान कराएं लड्डू गोपाल का। फिर गंगा जल के बाद आप चरणामृत से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, और एक कपड़ा ले लें, जैसे हम अपने शरीर को तौलिए से पोंछते हैं, ऐसे ही लड्डू गोपाल की प्रतिमा को कपड़े से पोंछे, गीला नहीं कपड़े पहनाएं। जब उनको कपड़े से तौलिया से पोंछ लें तो कपड़े पहनाएं। उस दिन निवेदन करता हूं आप उस दिन लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल वाले कपड़े नहीं पहनाएं, आप उस दिन माँ राधा रानी की पोशाक पहनाएं। कि राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। हमको लगते हैं कि राधा कृष्ण अलग अलग है, लेकिन वो एक है। आप कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी चली आएंगी, और राधा रानी का नाम लेंगे तो कृष्ण चले आएंगे। कहते हैं ना, राधे राधे जप चल आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चल आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चल आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चल आएंगे बिहारी। अरे भक्तों, हकीकत तो यह है, आप वृंदावन में जाएंगे। वृंदावन किसका गढ़ है, किसका क्षेत्र है? भगवान कृष्ण का क्षेत्र है, उनकी जन्म स्थली है। लेकिन वहाँ हर पेड़ पर आपको पेड़ों पर भी लिखा हुआ मिलेगा राधे राधे, भोली गोपी राधे राधे। अगर कोई रिक्शा वाला भी होगा, वो घंटी नहीं बजाएगा, वो कहेगा राधे राधे चलना, राधे राधे हटना, राधे राधे नाम से संबोधन करते हैं। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन वे तेरे आदीन। वो तीन लोक तारन तरन कौन है? भगवान कृष्ण तीनों लोकों को तारने वाले हैं, उन्हीं, लेकिन उनके आधीन भी, राधा रानी के आधीन है भगवान कृष्ण भी। और वृंदावन के वृक्षों के बारे में तो कहा गया है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होई। पेड़ पेड़ पर भी भगवान राधा रानी का नाम उच्चारण करने को मिलता है। आप एक बार सुनकर को तो देखिए, आप मीराबाई जैसी भक्ति करके तो देखिए। आप ऐसे ही तुलना करते हैं लोग कि सनातन धर्म कुछ नहीं है। अरे सनातन धर्म वह धर्म है, ये शाश्वत धर्म है सनातन धर्म। इसमें भगवान को मूर्ति पूजा के रूप में पाया जा सकता है, बड़ी सहज भक्ति है सनातन धर्म में। आप इसी तरह से आप अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए माँ राधा रानी की सेवा करें, पूजा करें। और अगर आपने भगवान कृष्ण की अति कृपा प्राप्त करनी है तो राधाष्टमी वाले दिन व्रत करना ना भूलें। अगर आपसे कहीं त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, आप अगर जन्माष्टमी वाले दिन व्रत नहीं कर पाए हैं तो राधाष्टमी को व्रत करके आप भगवान कृष्ण की संपूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में विराम लेता हूं और निवेदन करता हूं पुनः कि आप हमारे श्री नारायण प्रसादम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।